नमस्कार, मेरा नाम मिताश्री रंकावत है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चरर हूँ। ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में हम CE-203 बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक ब्रिक मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे सिलेबस की यूनिट 4 का टॉपिक है। ब्रिक्स के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स क्ले मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त होने वाला बिल्डिंग यूनिट है। जब ब्रिक्स को व्यवस्थित तरीके से मोर्टार के साथ में जोड़ा जाता है तथा किसी संरचना के रूप में बिछाया जाता है, तो जो टिकाऊ और ठोस संरचना हमें प्राप्त होती है, उसे ब्रिक मैसनरी कहते हैं। इस ठोस और टिकाऊ संरचना बनाने का हमारा मेन पर्पज है कि हम किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल लोड तथा बाह्य वातावरण से खुद की सुरक्षा कर सकें। तो जब हम ब्रिक मैसनरी को यूज़ करते हैं, तो उससे हम वॉल्स, एब्यूटमेंट्स, पियर्स, आर्चेज, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी ब्रिक मैसनरी वॉल में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी होती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, किसी ब्रिक मैसनरी वॉल की एलिवेशन को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईंटों को व्यवस्थित तरीके से विभिन्न हॉरिजॉन्टल लेयर्स में लगाया गया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स हम देख पा रहे हैं, इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स को कोर्सेज कहते हैं। ईंटों को जब हॉरिजॉन्टल लेयर में मोर्टार के साथ में व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल लेयर कोर्स कहलाती है, और ईंटों को व्यवस्थित तरीके से आपस में जोड़ना बॉन्ड कहलाता है। तो हमने पढ़ा कि बॉन्ड और कोर्स क्या होता है, इन दोनों की अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। आगे हम पढ़ेंगे कि हेडर, स्ट्रेचर तथा हेडर कोर्स, स्ट्रेचर कोर्स क्या होते हैं। इस डायग्राम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ईंटों को जब हम सामने से देख रहे हैं, तो एक कोर्स में हमें ईंटों की लंबाई तथा ऊंचाई दिखाई दे रही है। तो जहाँ हमें ईंटों की लंबाई तथा ऊंचाई दिखाई दे रही है सिर्फ एलिवेशन में, वो हिस्सा उसका स्ट्रेचर कहलाता है। और यदि सामने से देखने पर हमें ईंटों की सिर्फ चौड़ाई तथा ऊंचाई दिखाई देती है, तो वो उसका हेडर पोर्शन कहलाता है। और यदि किसी भी कोर्स में सिर्फ हेडर को यूज़ किया गया है, तो उसे हेडर कोर्स कहेंगे, और यदि किसी कोर्स में सिर्फ स्ट्रेचर को यूज़ किया गया है, तो उसे स्ट्रेचर कोर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ईंटों को जब हम व्यवस्थित तरीके से ब्रिक मैसनरी वॉल के रूप में लगाते हैं, तो उसमें हमें दो प्रकार के जॉइंट्स प्राप्त होते हैं। जब हम ईंटों को जोड़ेंगे तो जॉइंट्स बनेंगे ऑब्वियसली। तो ये जो जॉइंट्स हैं, वो दो प्रकार के होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स जो है वो मेन कंसर्न के नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट की बात है। यदि इन वर्टिकल जॉइंट्स को एक ही श्रृंखला में आ जाएंगे, अगर ये वर्टिकल जॉइंट ऐसे आ जाएंगे एक ही सीध में, एक ही लाइन में, तो ये हमारी ब्रिक मैसनरी को कमज़ोर बनाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे। तो ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, इनको एक ही श्रृंखला में, एक ही लाइन में आने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी हेडर के बाद में या हेडर के बाद में हमें उन्हें ईंटों के टुकड़ों को लगाना होता है, जो कि वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो टर्म्स को यूज़ करते हैं, बैट्स तथा क्लोजर्स। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि दो प्रकार से ईंटों को तोड़ा गया है। ये जो डैश्ड पोर्शन हम देख रहे हैं, वो ईंटों का तोड़ा गया पोर्शन है, यानी कि इस पोर्शन को हमने ईंट से तोड़कर अलग कर लिया है। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लंबाई के अनुदिश ईंटों को तोड़ा गया है, वो कहलाता है क्लोजर। और जब हम किसी भी ईंट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश तोड़ते हैं, तो वो कहलाता है बैट्स। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ईंट को उसकी लंबाई के अनुदिश दो भागों में बांटा गया है, ये कहलाता है क्वीन क्लोजर। और यहाँ पे हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को आधे भाग से काटते हुए ईंट का हिस्सा अलग किया है, ये कहलाता है किंग क्लोजर। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ईंट को उसके 1/4 हिस्से को तोड़कर अलग किया गया है, तो बाकी का 3/4 पोर्शन कहलाता है 3/4 ब्रिक बैट। और अगर आधे हिस्से को हम काट कर अलग करते हैं, तो वो कहलाता है हाफ ब्रिक बैट। तो हमने पढ़ा कि ब्रिक बैट्स क्या होता है तथा क्लोजर्स क्या होता है, और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसी प्रकार से
हम देख पा रहे हैं दो टर्म्स हमने यूज़ की है, फेस तथा बैक। तो जब भी किसी वॉल का आउटर पोर्शन जो एक्सपोज सरफेस है वो उसकी फेस कहलाती है, तथा जो इनर सरफेस है जो कि एक्सपोज नहीं होती है किसी भी वेदर भारी वातावरण के लिए, वो उसका बैक कहलाती है। तो हमने ब्रिक मैसनरी की विभिन्न टर्म्स के बारे में, टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या होता है तथा उसकी नेसेसिटी क्या होती है। बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी ईंटों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है ताकि वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ा जा सके, तो वो जो व्यवस्थित तरीका है वो बॉन्ड कहलाता है। और नेसेसिटी क्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईंटों को एक दूसरे पर हमें ओवरलैप करना है। ऐसा नहीं कि एक ईंट का जो एज है वो दूसरी ईंट के जस्ट ऊपर आए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को हमें तोड़ना है। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी वर्टिकल जॉइंट्स में कंटिन्यूटी नहीं है। वो किस लिए नहीं है, क्योंकि हमने ईंट को व्यवस्थित तरीके से बॉन्ड में लगाया है, अलग अलग बॉन्ड में अलग अलग पैटर्न में हमने ईंटों को व्यवस्थित किया है। तो ये जो पैटर्न है वो बॉन्ड कहलाता है, और इसका जो नेसेसिटी है वो वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ने में की जाती है। वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को अगर हम तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो ब्रिक मैसनरी का पर्पज़ है कि हमें सुपर इम्पोज लोड्स को इफेक्टिवली क्या करना है, विदस्टैंड करना है, तो वो पर्पज़ हमारा सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमने व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया है और वर्टिकल जॉइंट्स कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो हमारी ब्रिक मैसनरी की जो स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे बॉन्ड की, और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक ब्रिक मेसनरी वॉल को दर्शाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक कोर्स में हेडर तथा उसके अगले कोर्स में हमने स्ट्रक्चर को यूज़ किया, यानी अल्टरनेटिव लेयर्स में हम अल्टरनेटिव कोर्सेज में हेडर तथा स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया है। तो जब हम किसी ब्रिक मैसनरी वॉल में सामने से देखने पर यह पाते हैं कि एक कोर्स में हेडर है तथा दूसरे कोर्स में स्ट्रक्चर है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। सभी प्रकार के बॉन्ड्स में सबसे स्थायी तथा मजबूत बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो अल्टरनेट लेयर्स हैं उनमें हेडर तथा स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है। फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन क्लोजर, जो कि किसी ब्रिक को अगर हम उसकी लंबाई के अनुदिश हाफ भाग में काट देते हैं तो वो क्वीन क्लोजर कहलाता है। क्वीन क्लोजर का उपयोग करके हमने वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ा है, और हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जो हेडर है वो स्ट्रक्चर के मध्य भाग में स्थित है। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है, और इंग्लिश बॉन्ड का उपयोग हम सभी प्रकार की ईंटों की मोटाई वाली दीवार में कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लेमिश बॉन्ड। जो फ्लेमिश बॉन्ड है वो इंग्लिश बॉन्ड की अपेक्षा थोड़ा कम मजबूत होता है, लेकिन देखने में यह अधिक सुंदर होता है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ही कोर्स में हमने हेडर तथा स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर तथा हेडर को एक ही बॉन्ड में यूज़ किया गया है। तो जहाँ पे एक ही कोर्स में हेडर तथा स्ट्रक्चर को हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड कहलाता है फ्लेमिश बॉन्ड। इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो सभी प्रकार की ईंटों की मोटाई वाली दीवार में यूज़ नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार के बॉन्ड में दो प्रकार होते हैं, एक तो एक हरा फ्लेमिश बॉन्ड और दोहरा फ्लेमिश बॉन्ड, यानी कि डबल तथा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अगर मैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करती हूँ, तो जब हम ब्रिक मैसनरी वॉल को एलिवेशन में सामने से देखेंगे, यानी कि फेस देखेंगे, तो हमें फेस पर डबल फ्लेमिश बॉन्ड में फेस तथा बैक दोनों में हेडर तथा स्ट्रक्चर एक ही कोर्स में अल्टरनेट दिखाई देंगे। लेकिन सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में हमें सिर्फ फेस पर हेडर तथा स्ट्रक्चर्स एक ही कोर्स में दिखाई देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हेडर है वो स्ट्रक्चर के मध्य भाग में आ रहा है। तो हमें किसी भी प्रकार का बॉन्ड चाहे हम यूज़ ले रहे हैं, तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ना है। इसके लिए हमें बैट्स तथा क्लोजर्स का यूज़ करना है। आगे हम पढ़ेंगे हेडर बॉन्ड तथा स्ट्रक्चर बॉन्ड। जैसा कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, एलिवेशन और प्लान दिखाया गया है हेडर बॉन्ड का। तो
यदि किसी भी ब्रिक मैसनरी वॉल में सारे कोर्सेज हेडर के हेडर कोर्सेज में हो तो उसे हेडर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि फेस देखने पर हमें सिर्फ हेडर दिखाई देते हैं, हेडर कोर्सेज दिखाई देते हैं जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो हेडर बॉन्ड कहलाता है। देखिए आप एलिवेशन में, यहाँ पे हमने प्रत्येक कोर्स की शुरुआत में 3/4 ब्रिक बेड को यूज़ किया है ताकि हम वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को तोड़ सकें। इसके प्लान में भी आप यही बात देख सकते हैं। इस प्रकार का जो बॉन्ड है हेडर बॉन्ड, उसे हम फेसिंग के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए यूज़ में लेते हैं तथा फुटिंग्स तथा फाउंडेशंस में भी यूज़ लिया जा सकता है। हेडर बॉन्ड स्ट्रेचर बॉन्ड की अपेक्षा अधिक यूज़ में आता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है तथा सभी प्रकार की ईंटों की मोटाई के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड में हम देखते हैं कि एलिवेशन में देखने पर हम देख पा रहे हैं कि सभी जो कोर्सेज हैं उनमें स्ट्रेचर को यूज़ किया है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है और इसे हम हाफ ब्रिक वॉल के लिए ही यूज़ में करते हैं, यानी पार्टीशन वॉल्स के लिए ही सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड्स को यूज़ किया जाता है या कैविटी वॉल्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो उसमें प्रॉपर इंटरनल बॉन्ड्स डेवलप नहीं हो पाता है ब्रिक्स के बीच में, इसलिए हम इसकी ज़्यादा थिकनेस की दीवारों में इसको यूज़ में नहीं ले सकते और सिर्फ हाफ ब्रिक वॉल के लिए ही इसे हम यूज़ में लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड है उनके लाभ तथा हानि क्या है और उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं और विभिन्न प्रकार की मोटाई वाली दीवारों की डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, उनको निर्माण कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे और ब्रिक मैसनरी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में उसे पढ़ेंगे हम।